बरेली में उधार के रुपए लौटाने के बहाने सहेली को होटल में बुलाकर गैंग रेप कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय की युवती ने सहेली को बहाने से पहले डीडीपुरम के कैफे में बुलाया। यहां युवती के साथ दो लड़के पहले से मौजूद थे। वहां से तीनों पीड़िता को सैटेलाइट बस स्टेशन के पास एक होटल में ले गए। यहां दो कमरे बुक कराए गए थे। धोखे से युवती को बुलाकर गैंग रेप का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आरोप है कि नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर युवती के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए गए, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग के खेल में 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी लड़की और उसके साथियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी युवती ने बताया कि किला के हुसैन बाग की रहने वाली दूसरे समुदाय की लड़की उसकी सहेली है। सहेली ने युवती से 30,000 रुपए उधार लिए थे। रुपए लौटाने का झांसा देकर सहेली ने पीड़िता को डीडीपुरम के एक कैफे में बुलाया था। कैफे में सहेली के साथ दो लड़के वहां पहले से मौजूद थे। यहां से तीनों युवती को सैटेलाइट बस स्टैंड के पास एक होटल में ले गए। आरोप है कि यहां सहेली ने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया। इसी दौरान वहां मौजूद लड़के उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। दोनों लड़कों ने युवती के साथ दुष्कर्म भी किया। इस बीच युवती के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए गए। विरोध करने पर तीनों ने युवती को धमकाया और धर्म परिवर्तन कराने की धमकी भी दी। पीड़िता का आरोप है कि तीनों अब उससे 5 लाख रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। रुपए नहीं देने पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता ने किला के हुसैन बाग निवासी शिफत अंसारी और उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मामले की शिकायत की है। पूरे मामले की जाँच सीओ सिटी को सौंपी गयी है। पीड़िता की आरोपी सहेली को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।